सोलन जिले के धर्मपुर थाना के तहत कसौली इंटरनेशनल स्कूल में छात्र ने स्कूल परिसर में फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार छात्र क्लास में परीक्षा को बीच में छोड़कर कमरे की ओर गया और कुछ ही देर बाद छात्र गैलरी में फंदे से लटका मिला। वहीं परिजनों का आरोप है कि हत्यारे को छुपाने के लिए विद्यालय प्रशासन हत्या को आत्महत्या बता रहा है। परिजनों ने मामले की जाँच CBI से करवाने की मांग की है। छात्र की मौत का समाचार मिलने के बाद स्कूल प्रबंधन द्वारा आनन फानन में छात्र के शव को धर्मपुर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसकी सूचना बाद में पुलिस और मृतक छात्र के परिजनों को दी गई। वहीं पोस्टमार्टम के लिए मृतक के शव को सोलन अस्पताल लाया गया, जहां से पोस्टमार्टम के लिए शिमला भेज दिया गया है। विद्यालय प्रशासन इसे आत्महत्या बता रहा है, तो दूसरी ओर छात्र के परिजन इसे हत्या का मामला बता रहे हैं। वहीं मृतक के पिता दिनेश ठाकुर ने बताया कि उनका होनहार लाल स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के कारण आज इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने बताया कि स्कूल पूरे मामले को छुपाने का प्रयास कर रहा है और उनका लाल आत्महत्या नहीं कर सकता है। उन्होंने स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए इस मामले में CBI जांच की मांग की है। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर संदेह जताया है। मेरा बेटा हैंग नहीं कर सकता, वो इनके स्कूल का टॉपर बच्चा था। हर बार उसकी तारीफ करते थे, हर बार उसके अच्छे नंबर आते थे। घर से कोई उसको प्रॉब्लम नहीं थी, जो प्रॉब्लम हुई हो यहीं हुई होगी। इन्होंने उसका मर्डर किया है, दिखावा कर रहे हैं क्या है, या सुसाइड के लिए उसको प्रेशराइज किया है, लेकिन जो कुछ हुआ यहीं हुआ है। पिछले अब तो उसने 3-4 दिनों के बाद घर आने वाला था, छुट्टियां होने वाली थी। 10वीं क्लास में पढ़ता था, मार्च में उसके पेपर थे। क्या हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे CBI इंक्वायरी चाहिए। मैं हिमाचल पुलिस से इंक्वायरी नहीं करवाना चाहता, मुझे CBI की इंक्वायरी चाहिए। वहीं स्कूल के निदेशक हीरा ठाकुर ने बताया कि मृतक छात्र पढ़ने में अच्छा था। उन्होंने बताया कि हर प्रकार की गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर भाग लेता था। उन्होंने इसे आत्महत्या का मामला बताया और कहा कि विद्यालय के हर छोर पर CCTV कैमरे लगे हैं और उस दिन मृतक छात्र की आवाजाही का अधिकतर रिकॉर्ड उनके पास है। उन्होंने कहा कि छात्र की किसी प्रकार की शिकायत इस छात्र से नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि स्कूल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और सारी तस्वीर CCTV फुटेज में कैद है। उन्होंने कहा कि कारणों का पता जांच के बाद ही चलेगा। फोन आया, मैं ऑफिस में बैठा था कि ऐसे से भी जल्दी गाड़ी लेके आओ और भी बच्चे ने हैंगिंग कर ली है, तो मैं उसी गाड़ी लेके गया तो बच्चे लाए वो और बच्चे को गाड़ी में रखा हॉस्पिटल ले गए। तो जब हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई बच्चे की तो डेथ हो चुकी है। आप पूरा रिकॉर्ड देख लो, उसको कोई भी मुश्किल नहीं, पढ़ने में बच्चा टॉपर है। 2 दिन पहले साइंस का पेपर दिया तो 80 में से 80 नंबर थे उसके, यानी कि पूरी क्लास में टॉपर बच्चा है। कभी आधे दिन तक कभी इसको किसी डांट नहीं पड़ी, खेलने में अच्छा, शूटिंग में अच्छा। के लिए पुलिस या कोई भी इंक्वायरी करी तभी पता लगा कि स्कूल में उसकी कोई प्रॉब्लम थी। अगर घर की साइड से प्रॉब्लम हो या कुछ और हो, वो तो इंक्वायरी के बाद ही पता चला कि पूरा सेवा करेंगे। मैं तो बोलता हूँ भाई हो सके तो CBI इंक्वायरी करवाओ ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मतलब वहीं इस बारे में पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने बताया कि ऐसा मामला उनके संज्ञान में आया है और इस पर पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि हत्या है या आत्महत्या। पुलिस हर पहलू पर गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए स्पॉट विजिट किया और इसमें पुलिस के उच्च अधिकारी DSP साहब वो भी मौके पर गए। प्राइमा फेसी जो एविडेंस सामने आए हैं और जो एलिगेशन जो हमें कंप्लेंट प्राप्त हुई है पेरेंट्स की तरफ से, पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया है। देखिए इसमें पुलिस ने एविडेंसेस लेने हैं, इसमें क्या हालात रहे हैं मौके पे, क्योंकि CCTV फुटेजेस अवेलेबल हैं, स्पॉट हमने देख लिया है, बच्चे की हैंड रिटन कुछ नोट भी उपलब्ध है, उसको भी एग्जामिन करवाया जाएगा। अगर कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस है तो पुलिस उस पर काम करेगी, क्योंकि केस भी उसी एस्पेक्ट पे दर्ज कर लिया गया है। ऑलरेडी FIR हैज बीन रजिस्टर्ड, अभी इन्वेस्टिगेशन के विषय है। बता दें कि मामला जो भी हो, लेकिन स्कूल में बच्चे की मौत होना स्कूल प्रबंधन पर कई सवाल निशान खड़े करता है और साथ ही प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। निजी स्कूल बच्चों की जान से खिलवाड़ करते हुए मानकों को पूरा नहीं कर रहा है, जिसकी पकड़ में प्रशासन पूरी तरह फेल है। सरकारी मानकों की लगभग सभी निजी स्कूल धज्जियां उड़ा रहे हैं। स्कूल में बच्चे की मौत हुई है तो इसकी जिम्मेदारी सीधी कसौली इंटरनेशनल स्कूल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, K चैनल।